ही गाइज वेलकम बैक वंस अगेन टू योर वेरी ओन लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त कियारा आप ही की तरह क्लास टेंथ में पढ़ रही एक स्टूडेंट आज का टॉपिक मेरा फेवरेट है एंड द इजिएस्ट है हमारे क्लास टेंथ के हिंदी के सिलेबस में एंड दिस इज संदेश लेखन तो इसकी रिक्वेस्ट आई थिंक मेरे पास मेरे यूट्यूब फ्रेंड आरव से आई थी तो दैट्स वाई आई एम कवरिंग दिस वीडियो बिलीव मी गाइज दिस इज द इजिएस्ट टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है बहुत ईजी है इसमें कुछ नहीं है ये लगा लो पांच नंबर तो पक्के हैं बस कुछ छोटी मोटी बातों का ख्याल रखना है जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी हिंदी की नोटबुक में कौन कौन से संदेश लिखे हुए हैं किस तरह से लिखे हुए हैं किस, है, किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं ताकि आप भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकू बींग स्टूडेंट मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती कि हाँ ये टोटली करेक्ट होंगे बट मेरी टीचर के अकॉर्डिंग दे आर करेक्ट सो या लेट अस हैव अ लुक एट देम एंड लर्न कि संदेश लेखन एक परफेक्ट संदेश कैसे लिखते हैं अब संदेश लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उसके प्रारूप यानी कि फॉर्मेट पे नजर मारना बिकॉज़ ये आपका फाउंडेशन स्टोन है ये आपका बेस है एक परफेक्ट संदेश लिखने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना कि एक संदेश को हमेशा एक बॉक्स में इंक्लोज किया जाता है जैसे कि इंग्लिश में हमने मैसेज राइटिंग करा था तो ये भी वही चीज है संदेश मैसेज तो बॉक्स में इनक्लोज जरूर करना है देन हेडिंग जरूर डालोगे संदेश ये भी बहुत नेसेसरी है संदेश हेडिंग डाल के अंडरलाइन करना अब नेक्स्ट स्टेप है दिनांक यानी डेट और समय लिखना इसको आप एक लाइन छोड़ के इसलिए लिखो ताकि आपका संदेश थोड़ा नीट आए एंड एग्जामिनर पर या टीचर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े नीटनेस वाला डेट लिखोगे लेफ्ट साइड में और समय लिखोगे आपके राइट साइड में फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन दैट इज संबोधन प्रिय चाचा जी प्रिय माता जी मेरे प्यारे देशवासियों ये आपके संबोधन होंगे देन आपको बिना लाइन छोड़े संदेश की बॉडी स्टार्ट कर देनी है एंड देन एंड में बिना बिना लाइन छोड़े अपना नाम लिखना है अगर आपको दे रखा है कि हाँ आप कोई उपायुक्त हैं या आप कोई अध्यक्ष हैं तो आप वो लिखोगे कि हाँ मैं इस चीज का अध्यक्ष हूं अदरवाइज आप अपना नाम बिल्कुल मत लिखना पेपर में क ख, ख लिखाना छ ज कुछ भी लिखाना क ग लिखाना मतलब अपना नाम पर्सनल नहीं लिखना है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है तो अब जब फॉर्मेट पता चल गया है हमारा बेस क्लियर हो गया है अब हम चलते हैं एग्जैक्ट क्या लिखना है कैसे लिखना है मैं यहाँ पे शो करूंगी कि मैंने अपनी नोटबुक में कौन कौन से संदेश किए हैं और किस तरह से किए हैं आइए देखते हैं ऑल राइट सो नोटबुक में कम पेजेस थे इसलिए थोड़ा मैंने कंजेस्टेड लिख दिया लाइन नहीं छोड़ी बट आप लाइन जरूर छोड़ना क्वेश्चन ये है अमेरिका में रहते हुए आपके अंकल कोरोना से ठीक हुए हैं उन्हें बधाई देते हुए संदेश लिखिए एक संदेश को बहुत शॉर्ट रखना है केवल 30 से 40 शब्दों में लिखना है तो देखिए मैंने कैसे लिखा है डेट और संदेश हेडिंग टाइम इनका ख्याल रखने के बाद आदरणीय चाचा जी ये संबोधन है खबर पाकर बहुत खुशी हुई कि अब आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे कृपया आने वाले समय में अपना ख्याल रखिएगा और फिर नीचे कख ये ध्यान रखना ये नहीं है कि हाँ चाचा जी चाची जी को नमस्ते या फिर कब घर आ रहे हो वैसी बातें नहीं करनी है उसके लिए हमारे पास हमारा इनफॉर्मल लेटर हमारा पत्र है तो वो बातें नहीं है बिल्कुल शॉर्ट मैसेज रखेंगे बिल्कुल कल साइज रखेंगे ऐसा सोचो आपके पास बिल्कुल पेपर नहीं या बिल्कुल समय नहीं है, इस तरह से मैसेज को रखना है संदेश को रखना है आइए बढ़ते हैं दूसरे संदेश की तरफ क्वेश्चन है आपके सामने आपके विद्यालय में दो अक्टूबर को स्वच्छता अभियान आयोजित किया जा रहा है अतः छात्रों को सूचना देते हुए संदेश लिखिए अब आप भी एक छात्र ही हैं आप भी एक स्टूडेंट ही है एज अ स्टूडेंट आपको संदेश देना है बाकी स्टूडेंट को संदेश हेडिंग डेट टाइम का ख्याल के फिर प्रिय मित्रों क्योंकि ये आपके क्लासमेट्स हैं आपके स्कूल में पढ़ रहे छात्र हैं तो मित्र संबोधन यूज होगा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन होने जा रहा है अतः आपको सूचित करते हुए निवेदन किया जा रहा है कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें तथा इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग दे एंड में नीचे क ख ग आपको आपका नाम नहीं दिया हुआ कि आप रीना है आप नीता है तो आप वो लिख लीजिए नीतो क ख ग कोई भी नाम नहीं दिया हो क ख ग जरूर लिख के आना है ये छोटा सा संदेश हो गया नेक्स्ट संदेश देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके मित्र को गायन प्रतियोगिता में जीतने पर बधाई देते हुए संदेश लिखिए यहाँ पे मैंने वो मैं वो शब्द खा गई तीस से चालीस शब्दों में पेपर की कमी के कारण आप माइंड मत करना तो इस तरह से मैंने संदेश लिखा है प्रिय जयंत आपका मित्र है तो आप प्रिय मित्र लिख लो नहीं तो आप कोई नाम लिख लो कोई वो नहीं है बस अपना नाम नहीं लिखना प्रिय जयंत समाचार में तुम्हारा नाम लिखा देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समा पा रही हूं गायन प्रतियोगिता जीतने पर मेरी ढेरों शुभकामनाएं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा मधुर कंठ यानी मधुर गला तुम्हें इसी प्रकार पुरस्कार दिलवाता रहे तो इस तरह से मैंने ये संदेश लिखा है और नीचे साइन किया है एस क ख ग अब आरव ने मुझे कली कमेंट करके बताया कि उसको संदेश लेखन की जरूरत है उसका प्री बोर्ड है एंड कोइंसिडेंटली किस्मत का खेल देखो आज ही हमारी मैम ने भी हमें ये वाले क्वेश्चन लिखवा दिए दो संदेश के तो मैंने वो रफ में लिखे थे दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको नोट करके दिखाए हैं ये क्वेश्चन रीड करो जनता को कोरोना से अपना बचाव करने के लिए प्रेरित करते हुए 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखना है ये से खा गया गूगल वॉइस टाइपिंग खैर इसका मैंने आज आंसर क्या लिखा मेरी रफ नोटबुक में ही मेरे प्यारे देशवासियों कोरोना महामारी के इस घोर समय में अपना बचाव अपने बचाव के लिए कड़े कदम उठाइए नियमित रूप से हाथ धोइए मास्क जरूर पहने और दो गज दूरी बनाकर रखें अपने साथ सैनिटाइजर अवश्य रखें और कोरोना के रोकथाम में अपना पूरा योगदान दें क ख ग कोई डेजिग्नेशन नहीं दी थी तो अपना नाम बस क ख ग रखना है ये इंस्ट्रक्शन है टोटल कि सुबह सुबह लिखा मैंने तभी कि तभी क्लास में बैठ के नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला चुनाव उपायुक्त की ओर से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर जनता के लिए तीस से चालीस शब्दों में बधाई संदेश लिखिए अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप जिला चुनाव उपायुक्त हो तो इसका मैंने क्या आंसर लिखा संदेश हेडिंग डेट टाइम डालने के बाद प्रिय जनता शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भागीदारी के बिना यह संभव नहीं हो पाता इसी तरह एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते रहे और नीचे डेजिग्नेशन का खागा नहीं निकली इस बार जिला चुनाव उपायुक्त तो देखिए कितना शॉर्ट लिखना है कितना इजी है कुछ भी नहीं है संदेश लेखन में कितना इजी है ये तो अब टाइम की कमी चल रही है तो मैं भी चलू अपनी जाकर पढ़ाई करूं आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो एंड आई एम श्योर अब आपके पूरे नंबर आएंगे बस छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखना अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस बाय बाय